सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं मोटो टैब G70 को स्वाइप X1 टैबलेट के साथ। जानेंगे दोस्तों क्या क्या डिफरेंसेस इनकी स्पेसिफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं और कौन सी टैबलेट आपको बाय करनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले से। तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 11 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि दोस्तों यहां पर आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी किस्म की देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहां पर ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा दी गई है, यहां पर आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप इजी तरीके से सनलाइट में भी इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दोस्तों बात करें स्वाइप X1 टैबलेट की, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 10.1 इंच की एक फुल एचडी प्लस IPS पैनल। तो दोस्तों अगेन यहां पर भी आपको IPS पैनल दिया गया है, बस जो डिस्प्ले का साइज है वो थोड़ा छोटा आपको देखने को मिल जाता है, वो भी माइनर सा डिफरेंस है अगर हम इसको कंपेयर करें मोटो टैब G70 से। बाकी दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहां पर भी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको दोनों में ही सिमिलर जैसी देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बात करें यहां पर प्रोसेसर की, तो दोस्तों मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो का G90T, जो कि दोस्तों एक पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है और एक ट्रू गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप गेमिंग काफी अच्छे से कर पाएंगे, यहां पर आप BGMI चलाएं या फिर COD चलाएं, सारे के सारे हाई ग्राफिक सेटिंग्स में चल जाएंगे, तो इस टाइप से यहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी मोटो टैब G70 एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। बाकी दोस्तों बात करें स्वाइप X1 टैबलेट के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है यूनिसोक की तरफ से आने वाला T618 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है। यह प्रोसेसर भी काफी पावरफुल है, लेकिन दोस्तों ये जो G90T है उससे आगे नहीं निकलता है, इवन उसके कंपेरेबल भी नहीं है, उससे थोड़ा सा ये नीचे लास्ट करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस टैबलेट के अंदर आप मीडियम ग्राफिक्स में गेम काफी अच्छे से खेल पाएंगे, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, बाकी जो आपकी कैजुअल टास्क हैं वो तो काफी अच्छे से इस टैबलेट के अंदर भी परफॉर्म हो जाएंगी। तो इस टाइप से यहां पर आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर गेमिंग के पर्पज से चूज करनी हो या फिर वीडियो एडिटिंग के पर्पज से, तो मोटो टैब G70 एक परफेक्ट चॉइस है। दोस्तों ये जो स्वाइप X1 टैबलेट है कैजुअल यूज के लिए, और जो लोग थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, हार्डकोर गेमर नहीं है, वो इसको चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें इनके कैमरास की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और बाकी दोस्तों स्वाइप X1 टैबलेट के अंदर आपको देखने को मिलता है बैक में 13 मेगापिक्सल कैमरा विद LED फ्लैश, फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल कैमरा। अब दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो तो आपको दोनों ही टैबलेट में ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो स्वाइप X1 का एक तरह से कैमरा है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है अगर हम इसको कंपेयर करें मोटो टैब G70 के कैमरा से। बाकी दोस्तों कैमरास में इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, टैबलेट्स में आपको सिमिलर से कैमरास ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों बात करें बैटरी की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 7500 mAh की बैटरी, जो कि दोस्तों टाइप सी पोर्ट के थ्रू चार्ज होती है और यहां पर आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बाकी दोस्तों स्वाइप X1 टैबलेट के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसको आपको चार्ज करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, वहीं जो मोटो टैब G70 है वो 2 से 2.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी, तो ये अच्छी चीज की है मोटो ने। बाकी दोस्तों बैटरी लाइफ के टर्म्स में आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मोटो टैब G70 के अंदर आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उसका जो प्रोसेसर है वो पावरफुल भी और ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलता है, तो जो बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी वो दोनों ही टैबलेट में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही टैबलेट 6 से 7 घंटा लास्ट करेंगी, तो ये इस टाइप से आपको बैटरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि जो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं, तो ऑफिशियली जो मोटोरोला की तरफ से बाइडवाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है इस टैबलेट में, तो इसके अंदर आप फुल एचडी प्लस में सारा कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे। वहीं स्वाइप X1 की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह ज्यादा देखते हैं या फिर अमेजोन प्राइम वगैरह ज्यादा देखते हैं और उसके लिए आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन की नीड पड़ती है, तो वो मोटो के टैब G70 के अंदर दिया गया है। बाकी दोस्तों बात करें स्पीकर्स की, तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं क्वाड स्पीकर्स, जो कि दोस्तों डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर जो साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी काफी
काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इवन प्रीमियम किस्म की आपको साउंड क्वालिटी मोटो टैब G70 के अंदर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अगर एक तरह से जो वायर्ड वाले ईयरफोन्स कनेक्ट करने हैं उसके लिए 3.5 mm का जैक भी दिया गया है। वहीं दोस्तों स्वाइप X1 टैबलेट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं। अब दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी मोटो टैब G70 के आगे इतना ज्यादा तो नहीं टिकेगी, यहाँ पर आपको नॉर्मल सी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी और इसके अंदर भी आपको 3.5 mm का जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपने वायर्ड वाले ईयरफोन्स काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर स्पीकर्स के मामले में अगर आपको एक टैबलेट चूज करनी है तो डेफिनेटली मोटो टैब G70 के साथ आप जाइएगा। बाकी दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों दोनों ही टैबलेट के अंदर आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन स्वाइप X1 टैबलेट के अंदर यह एडवांटेज आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप ड्यूअल सिम लगा सकते हैं और दोस्तों दोनों ही सिम यहाँ पर आप 4G वाले चला सकते हैं। तो ये एक आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है। मोटो टैब G70 के अंदर आप सिंगल सिम का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप 4G LTE के ऊपर अपना डाटा एंजॉय कर सकते हैं और कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं दोनों ही टैबलेट्स के अंदर। और दोस्तों इसके दोनों ही टैबलेट्स के अंदर आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपके घर में 2.4 GHz वाला वाईफाई है या फिर 5 GHz वाला वाईफाई है, काफी इजी तरीके से कनेक्ट करके आप वाईफाई के थ्रू भी इंटरनेट का मजा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ की बात करें तो दोनों ही टैबलेट के अंदर आपको ब्लूटूथ का 5.0 सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यानी कि आप दो ब्लूटूथ डिवाइस एक टाइम पर ही कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाती है, बस जो स्वाइप X1 टैबलेट है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों बात करें इनके सॉफ्टवेयर की तो दोस्तों मोटो टैब G70 आपको एंड्रॉइड 11 पर रन करती हुई दिख जाएगी और यहाँ पर आपको प्योर स्ट्रोक एंड्रॉइड का सपोर्ट दिया गया है। वहीं दोस्तों सेम आपको एंड्रॉइड 11 स्वाइप X1 टैबलेट के अंदर भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको प्योर स्ट्रोक एंड्रॉइड का सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर के मामले में, लेकिन अगर मेरे को एक चूज करना हो मोटो टैब G70 को चूज करो, मोटो के एक तरह से फोन्स वगैरह होते हैं वो मैंने यूज किए हुए हैं, वहां पर जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है काफी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। तो लेकिन आपको मेजर डिफरेंस आपको सॉफ्टवेयर के टर्म्स में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन के पर्पस से चूज करूं तो मोटो टैब G70 को चूज करूंगा। डिजाइन की बात करूं तो मोटो टैब G70 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है मेटल बॉडी और दोस्तों देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलता है। इन हैंड फीलिंग आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी मोटो टैब G70 की, जबकि दोस्तों आपको स्वाइप X1 के अंदर आपको प्लास्टिक सा एक तरह से आपको जो बैक कवर है वो दिया गया है। और दोस्तों देखने में तो ये टैबलेट ठीक ठाक सी लगती है, लेकिन अगर जब आप इसको हैंड में होल्ड करेंगे अगर बिना कवर वगैरह के तो इन हैंड फीलिंग आपकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। बाकी दोस्तों जो इसका फ्रंट लुक है वो तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर आपको मिनिमम बेजल्स वगैरह दी गई है और दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर दोनों ही टैबलेट्स का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की एंड इनकी प्राइसिंग की। अब दोस्तों जो सबसे पहले हम मोटो टैब G70 लेते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक ही वेरिएंट सिर्फ, जो कि देखने को मिलता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाईफाई प्लस 4G, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है अप्रोक्स 22,000 rupees। वहीं दोस्तों स्वाइप X1 टैबलेट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दो वेरिएंट्स, एक आपको देखने को मिल जाता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है 16,000 rupees। अब दोस्तों इसके अंदर भी आपको वाईफाई प्लस 4G का सपोर्ट दिया गया है और दोस्तों दूसरा वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जो यहां पर भी आपको वाईफाई प्लस 4G का सपोर्ट दिया गया है और इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है 19,000 rupees। तो इस टाइप से यहां पर आपको प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स के अंदर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अप टू 512 GB तक का मेमोरी कार्ड वगैरह यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं और काफी इजी तरीके से अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन सी टैबलेट आपको चूज करनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं मोटो टैब G70 के फायदे बता देता हूं। तो सबसे पहला तो यह है मोटो एक अच्छी खासी ब्रांड है, आपकी जानी पहचानी सी ब्रांड है, यहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अच्छे स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और एक्टिव पेन का एक तरह से स्टाइलस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ऐसे से आपको कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलता। इन फ्यूचर अगर आपकी टैबलेट में कोई कमी आती है तो यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर वगैरह भी काफी इजी तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन स्वाइप X1 टैबलेट के साथ केस ये है कि इसके अंदर आपको अच्छी प्राइसिंग देखने को मिलती है, ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन स्पीकर्स आपको इतने अच्छे नहीं देखने को मिले प्रोबेबली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी सर्विस को लेकर, क्योंकि दोस्तों एक ये न्यू ब्रांड आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको जो सर्विस वगैरह से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं अगर आपने इस टैबलेट को सही से यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई कमी आती है तो आप इसको कहाँ लिए फिरेंगे, ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर ये वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो स्वाइप X1 ही है, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपको ऑलमोस्ट काफी अच्छी देखने को मिलती है इसकी प्राइसिंग के अनुसार। इवन ये बीट करती है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 को। लेकिन दोस्तों जो भी है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको जो एक इश्यू देखने को मिल सकता है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर इसके
डिस्प्ले आप ब्रेक करते हैं या फिर इसके अंदर कोई और कमी आती है इन फ्यूचर, तो आपको एक तरह से सर्विस की प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी दोस्तों जो मोटो टैब G70 है, तो मोटोरोला तो एक तरह से पॉपुलर ब्रांड है, इसके सर्विस दोस्तों आपको पूरी कंट्री में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो सर्विस रिलेटेड इश्यू है। बाकी तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है, वैल्यू फॉर मनी आप प्रोडक्ट चाहते हैं, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं अपने टैबलेट को संभाल कर यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी डिस्प्ले दी गई है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, डिजाइन भी ठीक ठाक सा दिया गया है। बस स्पीकर्स जो है वो मोटो टैब G70 में ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप स्पीकर्स के फैन हैं तो जरूर मोटो टैब G70 को चूज कीजिएगा, तो से कंप्लीट कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों जो लोग स्वाइप के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मैंने स्वाइप स्ट्राइक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने इस ब्रांड के बारे में बताया है, वहां से आप जाकर जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप दोस्तों कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।